नहीं देगा। एक दूसरा एडवर्टाइजिंग चला, आज बहुत एडवर्टाइजिंग मजा आएगा। चॉकलेट, ये बच्चा चॉकलेट लेके आया ना, कैडबरी लेके आया ना, सबको खिलाएगा। चलो कैडबरी इंडिया, कैडबरी सब समझते हैं? ऐसा कोई है जो कैडबरी नहीं समझता है? सिर्फ बच्चे समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बड़ों ने, कितने लोगों ने कैडबरी खाई है? बड़ों ने, बच्चों ने तो खाई है, मैं भी हाथ ऊपर है, सबने खाई है। 1970s में कैडबरी का एक एड आता था। क्या आता था एड? जिसमें चॉकलेट बच्चों के लिए, कैडबरी इंडिया का एक एड आता था कि चॉकलेट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए चॉकलेट। तो जो छोटे बच्चे थे जो चॉकलेट खाते थे, हम बचपन में फाइव स्टार खाए थे, एक्लेयर्स खाए, चॉकलेट खाए, तो वो बच्चों के लिए उस वक्त चॉकलेट के हिसाब से वो बच्चे खाते थे। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो गए तो उनको तो चॉकलेट का टेस्ट था। लेकिन अगर वो कैडबरी फाइव स्टार अभी उम्र में खाएंगे तो वो दूसरे लोग क्या बोलेंगे? बच्चा है क्या चॉकलेट खा रहा है? बच्चा है क्या? अभी यहाँ क्या हुआ, जो मार्केट कैडबरी का था, जो चाइल्ड मार्केट था, बच्चों का मार्केट था कैडबरी का, वो था 78% चाइल्ड मार्केट था कैडबरी का। जैसे ये उम्र में बड़े हो गए तो इनका ये मार्केट क्या हो गया? नीचे आ गया, बराबर है। फिर इनका मार्केट वही 28% पे चलने लगा जो छोटे बच्चे, उधर ही खेलने लगा। अभी इनके जो सहक है, इनको ये समझ में आया चॉकलेट सबको अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस क्या हुआ, बढ़ने के बदले नीचे आके गया। क्या बोलते थे? बच्चा है क्या चॉकलेट खा रहा है? बच्चों ने, तो इन्होंने मार्केट बच्चों तक जो सीमित था एड चेंज कर दिया। आपको प्रीति जिंटा याद है? यस। वो मैदान क्रिकेट का, मैं अभी नाच नहीं सकती, नहीं तो वीडियो में आ जाएगा, बाद में नाच रही है। वो ऐसे लहराते आई और उसने क्या प्रेजेंट किया? कुछ था हो जाए है ना, चॉकलेट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया यूथ के लिए। किसके लिए प्रेजेंट किया? यूथ के लिए, मतलब जवान लोगों के लिए। अभी ये चाइल्ड मार्केट भी है और यूथ मार्केट भी है। मार्केट बढ़ गया इनका, बढ़ गया। बीच में मावा का प्रॉब्लम आया था, याद है 2020 में मावा का प्रॉब्लम आ गया था। अभी इनको पता है कि ये बच्चे भी बढ़ने वाले, ये भी जवान होने वाले, ये भी अडल्ट होने वाले, उनके बच्चे आने वाले। मार्केट सीमित होने के बदले उन्होंने मार्केट बढ़ाया है। कुछ मीठा अभी क्या हुआ, जो 60 साल का भी है तो क्या बोलेगा? अरे वो मावा नहीं खा सकता। फिर क्या है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, जो भी त्योहार है, तो किसी को देते वक्त क्या देंगे? मावा देंगे, तो किधर से लाया पता नहीं, अच्छा है खाएगा पता नहीं। लेकिन अगर इस 60-70 की उम्र को भी हमने कैडबरी खिला तो क्या हुआ, मार्केट कितना उठाया इन्होंने? कितना टका मार्केट उठाया? 100%। जो 28% नीचे गया हुआ मार्केट, कितना उठाया? 100%। किस चीज से उठाया? मार्केटिंग के हिसाब से। किस चीज से उठाया? एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। आप जो प्रेजेंट करते हो, आप जो देते हो, वो सोचते हो, देखते हो और वही एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। कैटेगरी ने अपना मार्केट पूरा, बच्चे, यूथ, अडल्ट, जो उम्र से गोल्ड, मतलब 60-70-80 की उम्र से भी है। आज आप देखोगे इधर भी हम जाते हैं तो पूछते, अरे कैडबरी लाए तो खुश हो जाते, मुंह पे खुशी लगती है, बराबर है। वैसे ही ये मार्केट, अगर आपने यहाँ पे आपकी एक टक्का भी आपने इस पे चांस ले लिया, तो वो एक टक्का वो छोड़ सकते थे इधर मार्केट, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। 1% अगर भी आप चांस लेते हो तो वो एक टक्का को आप कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। बहुत सारे हैं, आज हमारे यहाँ धर्मशिला मैडम है जिन्होंने यही सोचा, अगर प्रोडक्ट काम किया तो, या तो ये बिजनेस काम किया तो मेरे लिए कितना बड़ा
चांस होगा। आज इतने सालों के बाद उनको नन्ही बच्ची हुई है, बावजूद ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। आज हर महीने लाखों रुपए कमा रही है, हर महीने लोगों को लाखों रुपए कमाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है, स्पेशली महिलाओं के लिए वो जो जज्बात है उनके लिए, उनके लिए तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। एक सादी चाय और स्पिमिना से भी उन्होंने जो मार्केट बनाया है। हम क्या पानी बेचने के लिए नहीं आए? हम पानी बेचने के लिए आए क्या? हम ऐसी चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं जिससे वो लोगों को अच्छा मिले। उनका गैस का प्रॉब्लम है, उनका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उनके जो भी घर के छोटे छोटे भी प्रॉब्लम है तो उसको निकालने के लिए ये प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। एक टक्का भी आप विश्वास करके इस प्रोडक्ट पे दे दिए, एक टक्का भी विश्वास करके आप बिजनेस प्लान पे दे दिए, तो आपको कहाँ से कहाँ, वसपाल सर है, डॉक्टर रत्ना मैडम है, या तो राजीव सर है, धर्मशीला मैडम है जो दुबई सऊदी से, अमीरा मैडम है जो उधर भूखे में काम कर रही है, मतलब हस्बैंड दिल्ली से बाहर नहीं लेके जाता तब तक वो औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उसने जो नेटवर्क देखा, अपना जो लोगों का कंज्यूमर नेटवर्क था, उसको कन्वर्ट करके आज 50 लाख के ऊपर इतना कमा रही है भूखे में रहकर। ऑनलाइन का जो पावर है समझो, ऑनलाइन का पावर, आप चाहो ना चाहो थोड़े दिनों में अक्टूबर तक आपको सबको डिजिटल जाना ही पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो आपको डिजिटल में आना ही पड़ेगा। आप खुद से आओ या धक्का दे के आओ, लेकिन डिजिटल सबको आना ही पड़ेगा। तो अभी समझने को शुरू कर दो कि मैं मेरे घर से मेरे लिए खुद के लिए एक घंटा या दो घंटा जो भी ऑनलाइन है सीख लो, बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जो भी आज मार्केट जाएगा वो 90% है, 90% मार्केट ये ऑनलाइन जाएगा। सब लोग प्लेटफॉर्म व्यापार है, गूगल है, अमेजोन है, जो भी है वो सब ऑनलाइन पे जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन पे देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और वहां से प्रोडक्ट का डिसीजन लेके अपने खुद के लिए वो उसका वापर कर रहे हैं। तो हम 99% में रहना चाहेंगे कि 1% में आना चाहेंगे, 5% में आना चाहेंगे, इधर आना चाहेंगे 99% में आना चाहते हैं, 1% में नहीं आना चाहते, 1% तो करोड़ों कमाते हैं, इधर आना चाहो, 1% भी चांस लिए, प्रोडक्ट चला नहीं चला या तो बिजनेस प्लान चला नहीं चला, 1% भी अगर काम हुआ, 1% भी इसके लिए काम हुआ, तो अपना जिंदगी कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। 360 डिग्री से आप पूरा इसको टर्न करके रख सकते हैं। समझो जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का हर रोज के लिए हम यूज कर रहे हैं, दिन ब दिन जिंदगी अलग होते जा रही है, अलग चीजें चाहिए रहती है, वो चीजें आज बीएचएन हमारे लिए ला रहा है। आज हमने जो ओपनिंग किया है 3 प्रोडक्ट का, कैल्शियम, सी बकथॉर्न और क्या है, जिंसेंग। सी बकथॉर्न ब्यूटी के लिए बहुत बढ़िया चीज है, अगर आप एनर्जी चाहते हो, ब्यूटी चाहते हो, तो सी बकथॉर्न आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। जिंसेंग में एनर्जी है और कैल्शियम तो हमको लेना ही है, क्योंकि कैल्शियम क्या चीज है, हमारे शरीर को मजबूती से दौड़ने के लिए बहुत अच्छे से काम करिए। किसी ने सी बकथॉर्न के लिए सुना है पहले? कभी सुना है सी बकथॉर्न? खाया है, जूस पिया है, ये फल है, बेरीज है, मतलब बेरीज मतलब क्या कहते हो, बोर रहता है, कर्मक रहता है, वैसे ही तरह की जाति की ये बेरी है, और ये बेरी में बहुत सारे गुण है, हिमालय में मिली जाती है, हिमालय में और कुछ फ्रूट्स नहीं आते, फल नहीं आते, इसलिए ऊपर वाले ने क्या किमया के लिए दे, ऊपर वाला आपके लिए सब कुछ करता है, लेकिन आप निर्णय लेना जरूरी है। एक ही फल दिया है हिमालय, लेकिन उस फल में एंटीऑक्सीडेंट डाला है, ओमेगा 3 डाला है, ओमेगा 6 डाला है, 7, 14, 15 जितना डाल सकता है उतना ओमेगा उसने डाल दिया, आपके दिल की और आपके ब्यूटी की काम उसने हिमालय में करके रखा है। एंटीऑक्सीडेंट दिया उसने, एंटी कैंसर के लिए दिया है, इसका मतलब कुदरत आयुर्वेदा आपको देती है, लेकिन आपके 10,000 आपको एक दिन में डाल दे या खुद के लिए डाल दे, निर्णय किसका रहेगा, मेरा किसका रहेगा, आपका रहेगा कि मेरा रहेगा, आपका खुद का रहेगा निर्णय, आपने लिया है डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए बहुत ज्यादा नहीं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है,
आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आपको 10,000 में मिल जाते हैं, जो आप रोज यूज करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूशन शिप से आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हो। मुझे बोलिए एक दुकान यहाँ पे खोलिए और आप दूसरी दुकान वही खोलना चाहते हो, कोई आपको मदद करेगा? नहीं करेगा। लेकिन BXF में आपको कहीं भी जाओ, आप सबके लिए एक प्लेटफॉर्म अच्छे से मजबूती से काम कर रहा है, और वही प्लेटफॉर्म आप कितना उसमें से ट्रेनिंग लेते हो, क्योंकि लर्निंग इज अ लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पढ़ाई करता है उसकी जवाबदारी रहती है कि मैं यहाँ से कितना निचोड़ के निकाल के ले लूँ। ये प्रोडक्ट्स में से लेना है, बिजनेस में से लेना है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तक का भी विश्वास किया तो कहाँ के कहाँ निकल जाओगे। कथा सुनना चाहते हो? यस। कितने लोग के कथा सुनना चाहते हो? कथा के लिए आए हो कि ट्रेनिंग के लिए आए हो? ट्रेनिंग के लिए आए हो। उसको लग रहा है उस दिन लड्डू मिला तो आदमी कुछ हो गया। और वैसे मैडम एक और एडवर्टाइजिंग के बारे में बोलना चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए। शेविंग करते हैं ना लोग? यस, बराबर है। एक शेविंग जिलेट करके, पता है, डॉक्टर एंड गैम्बल का जिलेट करके शेविंग मशीन आता है, उसका प्रेस्टो करके शेविंग का एक आता था बहुत साल पहले। उसका उन्होंने रिसर्च किया था अमेरिका के इंडियन बच्चों का, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो प्रोडक्ट इन्होंने इंडिया में लाया और इंडिया में मार्केट उसका सेल भी किया। जब इन्होंने पता करने की कोशिश की इसका सेल इधर क्यों नहीं हुआ, तब उनको पता चला कि इंडियंस के पास पानी की कमी है, बराबर धोने के लिए नल खोल के नहीं कर सकते, वो एक बाउल में अपना रेजर लेते धुआ के हिला के बाल निकाल के फिर से करते, और वही रेजर वो बहुत बार यूज करते, और इंडियंस के बाल भी कड़क होते हैं, अमेरिकन के बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं, स्लिम सॉफ्ट रहती है, तो जो प्रेस्टो था जिलेट वो काम नहीं कर रहा था इंडियंस का। तो बोलते थे अरे 3-4 दिन के बाद करता हो, तो वही अपना रेड कट करके लगा के करा। तब इन्होंने अपना मार्केट को रिवर्स टेक्नोलॉजी मतलब समझो, जो पुरानी चीज है ना वो अच्छी चीज है लेके चलो, लेकिन आपको लगता है उसमें अगर थोड़ा बदलाव चाहिए ना कीजिएगा, अगर वक्त की जरूरत है तो उस हिसाब से कीजिएगा। उन्होंने चेंज किया, उन्होंने ऐसा वो शेडिंग निकाला कि वो हार्ड शेड पे भी कर सके, धोते हुए पानी में नहीं तो बाउल के पानी में भी कर सके। आज ऐसी स्थिति है जिलेट में भारत का सबसे ज्यादा मार्केट, मतलब उनको कुछ क्या किया उन्होंने, रिवर्स रिवाइज टेक्नोलॉजी में डाल दिया, मतलब उनको अपग्रेड कर दिया। तो ऐसा करना भी बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि खुद के लिए चेंज क्या चाहिए, मार्केट के लिए चेंज क्या चाहिए। 5G आएगा तो 5G के लिए आपको एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर की जरूरत आएगी, मार्केट की डिमांड जो है तो आपको वो करना चाहिए। दो ही चीजों से आपको पैसा आएगा, एक तो नौकरी या तो बिजनेस। नौकरी में सपने पूरे होंगे ये गारंटी नहीं है, बिजनेस के लिए पैसा लगाने के लिए इतना बहुत सारा पैसा हमारे पास नहीं है। हम कैसे लोग हैं, बुरे लोग हैं क्या? नहीं, बुरे लोग हैं हम, अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो कैसा काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे, खुद के लिए भी और समाज परिवार समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बार ऐसा दिखा जाता है कि अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लोगों के सपने रुक जाते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से, उनका ग्रोथ नहीं होता है, उनके बच्चों का ग्रोथ नहीं होता। लेकिन BXF एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, एथिकल कंपनी है, नैतिक कंपनी है। इस प्लेटफॉर्म पे महिला पुरुष जवान सब लोग काम कर सकते हैं, पूरी पूंजी लगा के भी यहाँ पे काम आसानी से बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम के अच्छे पैसे देते हैं। आप लेना चाहते हो? Yes. कितने लोग हैं अच्छा पैसा कमाना चाहते, बढ़िया से पैसा कमाना चाहते?
बढ़िया सा प्रकाश। याद रखिएगा राम, राजा राम को पढ़ने के लिए 14 साल का वनवास था, और 14 साल के वनवास के बाद जब वो निकले तब पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से जाने। वनवास सबको भुगतना ही पड़ता है, लेकिन वहां से आप जब निकल के आते हो तो जो आनंद मिलता है वो बहुत बढ़िया है। सभी कथा की बात आ गई ना। एक बार जब मीटिंग चल रही थी, सभा हो रही थी, कि यहां से लंका में जाके सीता को लेके आना तो क्या किया, तो सभा में ये तय हुआ कि पत्थर पे श्री राम लिखा जाए और पत्थर को पानी में छोड़ा जाए, उससे क्या होगा, राम सेतु तैयार होगा, सेतु तैयार होगा, और उस सेतु से हम माता सीता को छोड़ के छुड़वा के लेके आए। अभी कल से ये होने वाला था कि श्री राम लिख के पत्थर पानी में छोड़ा जाएगा, सेतु बनेगा और माता सीता को हम वहां से छुड़वा के लाएंगे। राम तो भगवान का अवतार, लेकिन वो मानव शरीर, किंतु परंतु उनके मन में भी आ गया, हमारे भी मन में आता है ना, उत्पात चलेंगे नहीं चलेंगे, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो वो मानव रूप में थे तो किंतु परंतु उनके मन में भी आ गया। उन्होंने एक पत्थर पे श्री राम लिखा और पानी में छोड़ दिया, क्या हुआ होगा, डूब गया रहेगा, क्या बात है। तो उन्होंने पत्थर पे लिखा और छोड़ दिया, आजू बाजू देखा कोई नहीं है ना, क्योंकि मन में शंका कि श्री राम लिख के पत्थर पानी में छोड़ा तो डूबता नहीं है ना, डरेगा ना, ये मन में उनके मन में भी 1% शक था। वहाँ हनुमान जी देखते तो छाया है, छोड़ेंगे तो आपके बोले गुरु क्या कर रहे हो, श्री राम लिख के आप पत्थर को छोड़ दिए। नहीं, हनुमान मैं देखना चाहता हूँ श्री राम लिख के पत्थर को छोड़ दिया, वो पत्थर तैरता है कि नहीं, सेतु बनेगा कि नहीं, सीता माता को मन में शंका क्यों है, प्रभु नहीं देखना चाहिए सच्ची श्री राम का अवतार। तो हनुमान जी बोले कि क्या हुआ, ये मुझे बड़ी डर, क्या हुआ था पत्थर तैरा नहीं, जब राम ने छोड़ा था पत्थर तैर गया, कि कितने लोगों को लगता है डूब गया, तो श्री राम लिख के प्रभु जी ने जब पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया। और हनुमान जी देखे, हनुमान जी बोले प्रभु क्या कर रहे हो, जिसको आपने छोड़ दिया वाला, लेकिन अगर हम श्री राम लिखते हैं हम छोड़ते हैं तो यही है एक तक का विश्वास जो भक्तों ने अपने भगवान पे डाला था, 100% विश्वास था, एक का विश्वास नहीं था। जो सीता माता है, जो आजादी आप चाहते हो, जो हेल्थ फ्रीडम चाहते हो, जो वेल्थ फ्रीडम चाहते हो, उसके लिए जो सेतु बनाना है, जो सिस्टम बनानी है, जो राम सेतु बनाना है, वो राम सेतु के लिए आजादी लेके जाने सकती है, आपको जो चाहते हो आपको वो सब कुछ मिल सकता है, वो एक नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म है, वहां तक पहुंचने के लिए निर्णय किसका रहेगा, हमारे परिवार के लिए निर्णय किसका रहेगा, हमारा रहेगा, समाज के लिए वो जो निर्णय रहेगा किसका रहेगा, हमारा रहेगा, हमारे निर्णय से ही ये सेतु बनेगा, ये आजादी हम
बहुत सारी अभिनंदन। महिला दिवस इतना पूरा महीना हमने एंजॉय किया, बावजूद ओनली महिला कहके भी दादर ऑफिस में 75% बंधु आते थे और 50% महिलाएं आती थी। बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको यही गुजारिश करती थी, लेके जाके अपनी महिला को प्रभाव निकाल दो और जो भी यहाँ पे सीखे वो महिला तक पहुँचाना जरूरी है। यहाँ का आयुर्वेद 10,000 का लेंगे, डॉक्टर जी को बुला क्या करना है।